झांसी के मऊरानीपुर में दबंगों का उत्पात इतना है कि आमजन उनसे अभी भी प्रताड़ित हैं। यहाँ एक तरफ योगी सरकार माफियाओं और अराजक तत्वों को जेल में डालने का दम भरती है, वहीं झांसी जिले के माफिया इस कदर बेलगाम है कि उन्होंने आम आदमी की नाक में दम कर रखा है। एक ऐसा ही मामला आज सामने आया है मऊरानीपुर से, जिसमें शराब के लिए पैसे न देने पर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। इसी दौरान पीड़ित राम कृपाल अहिरवार ने एक वीडियो भी बनाया है, जो पुलिस को सबूत के तौर पर प्रस्तुत भी किया है। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुरा में रहने वाले राम कृपाल अहिरवार का आरोप है कि जब वह अपने परिजनों के साथ घर के बाहर बैठा था, इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग आए और शराब के लिए पैसे मांगने लगे, लेकिन जब उन्हें पैसे देने से मना किया तो उक्त लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी गई। इतना ही नहीं, उक्त लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं जब यह विवाद चल रहा था, तभी पीड़ित ने एक वीडियो भी आरोपी का बनाया है, जो धमकी देता साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस का सहारा लिया है। फिलहाल पुलिस अब कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं संबंध में देवरी चौकी प्रभारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। ये कल पैसों से मुझसे पैसे मंगा रहे थे हदारू के लिए। अच्छा। तो हमने पैसे नहीं दिए तो मेरी मार हमारी मारपीट की और गाली गलौज भी की, और हमने पैसे नहीं दिए तो और फिर हम लोगों को मारने के लिए धमकी देने लगे कि नहीं, हम तुमको बंदूक से मारेंगे और फिर से मारेंगे। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।